भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 सीरीज में भारत पहले टी20 में मुंह की खाने के बाद जब चारों तरफ भारतीय विश्व विजेता की बुराई हो रही थी, युवाओं बल्लेबाजों की बुराई हो रही थी और रोहित और विराट की कमी को महसूस किया जा रहा था, लेकिन दूसरे टी20 मुकाबले में भारत ने इस तरीके से जिम्बाब्वे को रगड़ा है कि मानो इसकी कल्पना भी न की गई होगी। 2 विकेट खोकर के 234 रन और तूफानी बल्लेबाजी थी। अभिषेक शर्मा 46 गेंदों पर शतक पूरा किया, 7 चौके 8 छक्के शामिल थे। इस पारी में 70 रनों का योगदान था। ऋतुराज का शुभमन गिल केवल 2 रन बना करके आउट हुए थे। रिंकू ने 22 गेंदों पर 44 रनों की एक छोटी तूफानी पारी शामिल थी और भारत ने इस 234 रनों का एक विशाल जो स्कोर खड़ा किया था तब उसी वक्त लग गया था। जिम्बाब्वे से बहुत दूर मुकाबला निकल चुका है और वही हुआ 100 रनों के एक विशाल अंतर से। ये ODI मुकाबला नहीं था, T20 मुकाबला था। T20 में कोई टीम 100 रन से जीत अगर दर्ज करती है तो फिर वाकई में उस टीम की बल्लेबाजी कितनी ज़बरदस्त रही होगी। और गेंदबाजी में भी मुकेश को 3 विकेट मिले, आबिश खान को भी 2 विकेट निकले मिले हैं और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड था जो वो अभिषेक शर्मा को मिला। पहला T20 जीरो पर आउट हुए थे लेकिन अपने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में ही शतक ठोक दिया और अपनी भारतीय टीम में T20 में तो जगह बिल्कुल ही पक्की कर ली है। निश्चित तौर पर अब भारत की जो युवा टीम है T20 की जब तैयार होगी तो उसमें जब ओपन करते हुए नज़र आएंगे यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा, ये जोड़ी दोनों की बाएं हाथ की जोड़ी बहुत ही खतरनाक नज़र आएगी। और ख़ासतौर से अभिषेक शर्मा का जो IPL का जो फॉर्म था उसी की बदौलत से स्क्वाड में शामिल किया गया था, उसको बखूबी चयनकर्ताओं को बिल्कुल उनकी उनकी सोच पर खरे उतरे हैं और अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। अभी अभिषेक शर्मा को बहुत लंबा कैरियर है और बतौर ऑलराउंडर भी हैं, गेंदबाजी भी उनको करने का मौका मिला, हालांकि विकेट नहीं मिला है, लेकिन अभिषेक शर्मा की दम पर भारत ने जिम्बाब्वे को दूसरा T20 मुकाबला विशाल अंतर से 100 रनों के अंतर से हरा दिया है। और अभी 3 T20 मुकाबले अभी इस सीरीज के बाकी हैं, अब सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। उम्मीद बनी है कि भारत जरूर इस T20 मुकाबले को जीतेगी। पहला T20 हारने के बाद चारों तरफ आलोचनाएँ जो हो रही थी उसको सही जवाब दिया और भारत ने 1-1 से सीरीज को बराबर कर लिया।